फ्रेंड्स, जैसे शुरू में बताया कि हमारा सपना बिल्कुल सिंपल है कि आप और हम मिलकर जो समीर सर का सपना है घर घर आजादी, वो लेकर आए। लेकिन सोचिए, इस बिजनेस में आने से पहले हमने या हमारे बच्चों ने करियर कैसे चूज किया। जैसे मैं जब पढ़ाई करता था उस समय दो ही ऑप्शन मिलती थी जिस बच्चे के नंबर अच्छे आते थे, और सौभाग्य या दुर्भाग्य से मेरे नंबर अच्छे आते थे, तो मम्मी पापा दो ही चीजें पूछते थे, डॉक्टर या इंजीनियर। अब चूहा काटना मुझे अच्छा नहीं लगता था कभी भी, तो मैंने कहा इंजीनियर बन जाते हैं। मुझे ABCD कुछ नहीं पता था इंजीनियर बनकर क्या होगा, बस ये मालूम था कि डॉक्टर और इंजीनियर अच्छा पैसा कमाते हैं, तो मैं क्या बन गया, इंजीनियर बन गया। आपने अपने बारे में सोचा कि बचपन से लेकर आज तक जिस भी करियर में आप हैं, जो भी नौकरी करते हैं, जो भी दुकानदारी करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, क्यों उस लाइन में आप हो? वो लाइन में इसलिए नहीं हो कि आपका इंटरेस्ट है, आपको मजा आया था वो लाइन को चूज करने में। आज तक हम भी अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बेटा तू ये कर ले, ये मत कर। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं सिर्फ पैसा, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देखते। हम कैसे कहते हैं, बेटा इस लाइन में ना बहुत पैसा है, इस लाइन के अंदर करियर बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी है, MBA भी कराते हैं। ये नहीं कहते कि बेटा तू आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मालिक बनेगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन बनेंगे। हम क्या बोलते हैं, अच्छा पैकेज लग जाएगा, यस के नो। तो हर समय हमारे को ये डिसीजन लेना है कि वास्तव में हम किस तरह के पेरेंट्स हैं, और हमने जो आज तक करियर चूज किया है वो क्यों चूज किया है, क्या मैं उसको लाइक करता हूं, क्या मुझे उसमें रहना अच्छा लगता है। पैसा कम आएगा ज्यादा आएगा फर्क नहीं पड़ता, जो चीज हम जिंदगी में प्यार करते हैं अगर वो करना शुरू कर दें तो जिंदगी में काम नहीं करना पड़ेगा। काम कब लगता है, जो हम काम करते हैं वो बोझ लगता है तब काम लगता है। जैसे एक लड़का जॉब से आया, बाइक रखी और बैठ गया सोफे पर, उसकी मम्मी कहती है बेटा घर में ना दूध खत्म है, एक बार जाकर दूध लिया, बाइक स्टार्ट करके 10 मिनट दूर जाना था दूध लेने के लिए। कहते मम्मी आपको पता तो है सारा दिन थक हार कर तो मैं आया हूँ, जॉब में इतनी मुश्किलें, बॉस को सारा दिन झेलना पड़ता है, अभी तो मैं आया हूँ, मैं नहीं जा रहा। थोड़ी देर बैठा रहा, इतने में ना मोबाइल में मैसेज आया, टिंग टिंग, उन्हें मैसेज देखा, एकदम से गया हाथ मुँह धोया और 2 मिनट में शर्ट चेंज करके बाहर। मम्मी कहती क्या हुआ, तू तो थका हुआ था। कह रहे मम्मी मैं आता हूं ना अभी, उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था, मैं वेट कर रही हूं। पहले उसे दूध लाना था जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और जैसे गर्लफ्रेंड का मैसेज आया थकान गायब, क्योंकि उसको क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो जो काम अच्छा लगता है उसमें काम कभी भी काम नहीं लगता। तो यहां पर जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स यहां पर बैठे हैं ना, पता है वो कामयाब क्यों हैं? क्योंकि उनको मोदी केयर से प्यार हो गया है, क्योंकि उनको रिजेक्शंस लेने में प्यार हो गया है। उनको नहीं लगता कि सामने वाला मना करेगा तो मेरी ईगो हर्ट होगी। मैं आज इस बिजनेस के अंदर अपने सारे रिलेटिव्स को 1, 2, 3 बार मैं बता चुका हूं, और आज तक मैं 2 करोड़ रुपए साल कमाने लग गया हूं। मैं बैंकॉक, पत्तिया, मलेशिया, दुबई, अबू धाबी, टर्की, मॉस्को, लंदन, मेलबर्न, सिंगापुर, क्रूज 13 बार मैं और मेरी वाइफ फॉरेन घूमकर आ चुके हैं, बच्चों को घुमा चुके हैं, BMW घर में आ चुकी है, आज तक मेरा साला काम नहीं करता। ज्वाइन है, प्रोडक्ट लेता है, नाम है उसका NQD, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। कम से कम लॉयल्टी तो करता है, मेरी साली साहिबा ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। मेरे जीजे श्री कहते हैं हाँ नेटवर्किंग करके मैंने छोड़ दी है, क्योंकि पहले वो उन्होंने नेटवर्किंग की थी, वो कंपनी भाग गई तो वो नहीं करते। अब बताओ कैसे मनाया जाए।
अपनों को मनाना सबसे मुश्किल होता है, होता है या नहीं होता? हमारे रिलेटिव दूसरों की बात समझ लेते हैं, हमारी नहीं समझते। तो आज से हमारे रिलेटिव हो गए आपके, आप अपने रिलेटिव से हमें मिलवाना शुरू कर दो। अब ये फोटो देख रहे हो, ये मेरा बेटा है। पिछले महीने मैं और सारिका मुंबई गए थे, क्योंकि मोदी केयर में है तो फ्रीडम है। 2 दिन के लिए गए थे और 5 दिन रुक कर आए थे। जुहू बीच पर हमारा 5-स्टार होटल में हम स्टे किया था। क्या था, मेरे बेटे को डिग्री मिलनी थी और ये उनके दोस्त हैं, बहुत प्यारे से शानदार हीरो दिख रहे हैं आपको दोनों। और इनको डिग्री कौन सी मिली है, इनको डिग्री मिली है BA इन एक्टिंग। मेरे पूरे खानदान में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल था और ये मेरे बेटे साहब ने 97% नंबर लेकर आए 12th में। मैंने कहा क्या बनेगा, CA, डॉक्टर, इंजीनियर? कहते एक्टर। अब ये मोदी केयर की पावर है, मोदी केयर का दम है। मैंने कहा बेटा बन जा, बस 2 बारी पूछा, प्यार करता है ना एक्टिंग को, कह रहा बड़ा मजा आता है। अब 3 साल की डिग्री इसकी पिछले महीने पूरी हुई है और इसको जो ये दोनों बच्चों को क्या मिल रही है डिग्री, देख उन रहे हैं सुभाष गई और शबाना आजमी। आज चाहो तो इनका ना ऑटोग्राफ ले सकते हो, आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता। देखना चाह रहे हो? रसवंत जी, रिदम जी आ जाओ स्टेज पर। वेलकम है जी। ये 2 एक्टर्स यहां पर आ गए हैं, इनकी डिग्री पूरी हो गई है और पूरे इंडिया में सिर्फ 30 बच्चों को वहां एडमिशन मिलता है। बहुत महंगा कोर्स है और सिर्फ इंडिया के नहीं, बाहर के फॉरेन के बच्चे भी आकर वहां पर पढ़ते हैं, उस 30 बच्चों में आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी काबिलियत से वहां पर एडमिशन लिया। अभी मेरे बेटे को थिएटर मिलना शुरू हो चुका है। दिल्ली में एक बार थिएटर हुआ तो 2 थे, दोनों हाउसफुल हुए। फिर मुंबई में मिला, 2 शो थे, दोनों हाउसफुल थे। 7 तारीख को कहाँ पर है, अहमदाबाद में, 7 तारीख को अहमदाबाद में है और शायद 13 तारीख को, 15 तारीख को इसका नवी मुंबई में है। तो इसको थिएटर का, अब ये एक्टर बन चुका है। और ये इनका फ्लैटमेट है रसवंत, चेन्नई से हैं और अभी इनको मलयालम पिक्चर मिल चुकी है, तमिल मूवी मिल चुकी है। तो बहुत जल्दी आपको ये दोनों मूवी में और कहां पर सीरीज में, पता नहीं कहां कहां पर दिखाई देंगे, क्योंकि इनका पैशन है। अब मुझे नहीं मालूम ये कितना पैसा कब कमाएंगे, मुझे ये मालूम है कि इस लाइन से ये प्यार करते हैं तो जिंदगी भर एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, हमारे को ना इस इंडस्ट्री से प्यार करने के लिए ना कुछ तथ्य, कुछ डाटा समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लगता है ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस है। जैसे आम जनता क्या बोलती है, आम जनता पढ़ी लिखी या कम पढ़ी लिखी, लेकिन नेटवर्किंग के अंदर जीरो जनता क्या कहती है, नेटवर्किंग की जीरो जनता कहती है वो मेंबर बनाने वाला बिजनेस नहीं, नहीं नहीं मैंने नहीं करना। पता नहीं उनको क्या लगता है ये छोटा मोटा क्या होगा, उनको मालूम नहीं है ये बिजनेस क्या है। बस किसी ने उनको कैसे बताया हमें नहीं मालूम, उन्होंने क्या स्टडी किया हमें नहीं मालूम, क्या वो मीटिंग में आए नहीं मालूम, क्या उन्होंने कुछ ज्वाइन किया नहीं मालूम। बिना नॉलेज के क्या आप बता सकते हो कि डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर करियर अच्छा है या बुरा है? नॉलेज ही नहीं है तो चुप रहते हैं हम। डॉक्टर अच्छा है जी, अच्छे डॉक्टर, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, डॉक्टर बन जाओ। यहां पर हमारी इंडस्ट्री के अंदर सिंपल सा नियम होता है, बहुत सारे हमारे को मिलते हैं जलत जंतु। नाम सुना है जलत जंतु? 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे को दुआएं देते हैं। वो हमेशा कहते हैं बेटा लाइन ठीक है, भाई लाइन ठीक है, बहन लाइन ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़ो आगे। दूसरे होते हैं जलत जंतु। जलत जंतु कौन होते हैं? जो हर कंडीशन में हमसे जलते हैं। तो हमारा एक्शन जलत जंतु को खुश कर रहा है या प्रियजनों को खुश करता है, ये डिसीजन हमारे करियर के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम फेल हो गए या हम नाकामयाब हो जाए, सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? जलत जंतु। तो जलत जंतु को खुश करना है तो जो भी आपने काम करना है ना, अपने तरीके से करना शुरू कर दो। और अगर
प्रियजनों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने बेटे को, अपने बिटिया को, अगर इनको खुश करना चाहते हो तो मोदी केयर जैसी कोई भी अच्छी कंपनी, और मोदी केयर बेस्ट है इसलिए मोदी केयर ही कंपनी को चूज करके इसके अंदर डायमंड बन जाओ। ये डिसीजन हमारे को लेना है। तो पहले जान तो लें ये इंडस्ट्री क्या है, जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते। अरे वाह मेरे भाई आ गया, एक बार जोरदार तालियां अक्षय और दिग्विजय के लिए। मैं ना इस भाई से बहुत प्यार करता हूँ, दिग्विजय से ना बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता चल गया था आज ये काला कपड़े पहन कर आएगा, मैं भी काले कपड़े पहन कर आया। आई लव यू यार। ऐसी तालियों में ना अक्षय और दिग्विजय को बुलाऊंगा नहीं मैं। देखिए ये इंडस्ट्री, जैसे अभी मेरा बेटा मूवी इंडस्ट्री में जा रहा है, उसको बता दूं कि मूवी इंडस्ट्री है 80 बिलियन डॉलर की, म्यूजिक इंडस्ट्री है 16.5 बिलियन डॉलर की, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है 91 बिलियन डॉलर की, नेटवर्क मार्केटिंग 186 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। कई बार लगता है ना ये इंडस्ट्री कैसी है, 186 बिलियन डॉलर। एक बार समझ लेना बिलियन क्या होता है, पढ़ लेना गूगल में, मैं बता नहीं रहा हूं डॉलर की कीमत कितनी है, तब पता चलेगा ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। मोटी सी मोटी बात, फिल्म इंडस्ट्री से, म्यूजिक इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री है। बेटा बेटा है, बाप बाप है। मतलब 1,543,344 करोड़ की इंडस्ट्री है, तो छोटी तो हो नहीं सकती ना। नेक्स्ट। अच्छा मेरे पास ही। WFDSA के बारे में जानते ही होंगे, जितनी भी लीगल कंपनीज हैं, पता है क्या, कुछ कंपनीज भी हमारा नाम खराब करती हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी ना पिरामिड कंपनीज चलती हैं। भारत में 10,000 से ज्यादा हैं जो हमारी नॉलेज में, वास्तव में ये 20-25,000 से भी ज्यादा होंगी। उनमें सिर्फ 21 कंपनीज को WFDSA से, जिसका नाम इंडिया में है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA का मतलब होता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उनके हिसाब से बहुत सारे फायदे हैं जिसकी वजह से ये बिजनेस करना चाहिए। कोई रिस्क है नहीं, पैसा लगता नहीं है, जितना पैसा लगाते हैं उससे ज़्यादा के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और मोदी केयर में तो ये भी फायदा है कि जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो सब सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ मिलता है, पसंद आ गया तो हमारा, नहीं तो वापस। अपनी फ्लेक्सीबिलिटी से हम काम कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन करो, हफ्ते में चार दिन करो, हफ्ते में छह दिन करो, सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को करो, कभी भी कर सकते हैं। और साथ साथ ट्रेनिंग बहुत सारी मिलती है जिसमें पैसा जितना कमा लो, लेकिन सबसे बड़ी बात है पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। जितने लोग नौकरी करते हैं और मोदी केयर की ट्रेनिंग वर्कशॉप में आना शुरू कर देते हैं, वो खुद बताते हैं कि हमारी सैलरी डबल हो गई है, वो खुद बताते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारे में इतना अच्छा चेंज कहां से आ गया। और साथ ही साथ में जो हम एफर्ट करते हैं उस हिसाब से पेमेंट है, ये नहीं है कि फिक्स है। कई लोग आते हैं मोदी केयर के अंदर, एक एक साल लग जाता है, 10,000 नहीं कमाते, और कई लोग आते हैं 1-3 साल में रिकॉर्ड बनाकर 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 रुपए यूं कमाते हैं। क्यों? जितना आप एफर्ट करोगे उतनी आपकी इनकम आएगी। तो WFDSA ने ये बताई है, अगर मैं बेनिफिट बताता रहूं तो सच बता रहा हूं रात के 10 बज जाएंगे, मैं बेनिफिट बताना खत्म नहीं करूंगा, इतने बेनिफिट्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के। सबसे बड़ी बात, अगर मैं ये इंडस्ट्री को नहीं चूज करता, मैं नौकरी करता, मैं एक इंजीनियर हूं तो अच्छी नौकरी मैं कर सकता था, मैं अपना बिजनेस करता जिसके अंदर मैं पहुंच चुका था, एक बात पक्की है कि मैं वहां भी पैसा कमा रहा होता, लेकिन क्या 2 करोड़ रुपए कमा रहा होता? अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी वजह से मैं नौकरी 1 महीना 1 साल नहीं जाता, किसी वजह से मैं दुकान करता और दुकान पर 1 महीना या 1 साल नहीं जाता, पैसे आते? पिछले साल अक्टूबर के अंदर मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं और सरिका घूमने चले गए श्रीनगर, 7 दिन वहां पर रहे, वहां से आते ही 3 दिन के बाद हम चले गए ऑस्ट्रेलिया, फिर वहां पर हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा जो कंपनी ने दिखाया, मेलबोर्न के अंदर हम रहे। और मजेदार बात बताऊं, 30 दिन छुट्टी लेने के बावजूद हमारा चेक नीचे गिरने गिरते गिरते की बजाय 2,000 रुपए महीने का बढ़ गया। 30 दिन छुट्टी, 30 डेज छुट्टी, ये है इस बिजनेस की खासियत। आज मैं चाहूं मैं और सरिका जिंदगी भर भी कुछ ना काम करें ना तो भी पैसा आता रहेगा, ये है इस इंडस्ट्री की खासियत।